नमस्कार मेरे भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्राचीन मंत्र रहस्य यूट्यूब चैनल में। और मेरी आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं, एक कारगर टोटका लेकर आया हूं, जिसकी मदद से आपका काम चुटकियों में बन जाएगा। देखिए, अक्सर लोग अपनी जिंदगी में दुश्मनों से बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर दुश्मन नहीं होंगे तो शायद मैं जिंदगी की तमाम दुश्वारियां भी सहन कर सकता हूं, लेकिन अगर दुश्मन है तो वो कुछ भी नहीं करने देंगे और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं अपनी सक्सेस को हासिल कर सकता हूं भी या नहीं। मुझे लगेगा शायद मैं असफल रहा हूं, तभी तो मुझे सक्सेस नहीं मिली भैया। तो ऐसे में आज की मेरी इस वीडियो को अंत तक देखना। दुश्मनों से छुटकारा पाना, दुश्मन को खत्म करना, दुश्मनों से मुक्ति पाना, दुश्मन से बदला लेना, आपको सारे काम बताए जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो भी पसंद आएगी, काम भी बनेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप पहली बार पहुंच रहे हैं प्राचीन मंत्र रहस्य चैनल पर, तो मैं बता दूं कि भक्तो, आपकी हर एक दुश्मन से संबंधित प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। कितनी भी प्रकार की कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉल कर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और दिए गए टोटके तरीकों से आप सफल हो सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दुश्मनों से लड़ना सभी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन दिया गया टोटका चुपके से कर देना तो गुप्त से गुप्त शत्रु को भी खत्म किया जा सकता है। आपको करना क्या होगा, क्रिया बताते हैं आपको। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना, 1.25 मीटर काला कपड़ा लेना, 2 कपड़े लेने हैं। अब एक कपड़े में तो रखेंगे जो सामग्री, आपने काले तिल और इसके साथ में जौ लेनी है, आप जौ ले लीजिए और काले कपड़े में बांध लीजिए। अब उसके बाद आपको बता देता, ध्यान रहे मिक्स ना करेंगे, अलग अलग तरीके से बांधिएगा। 1.25 मीटर काला कपड़े में अलग अलग जगह बांधिएगा। अब आगे लाल कपड़े में क्या करेंगे, गेहूं रखेंगे और इसके साथ में आप चने की दाल रखेंगे, उड़द की दाल रखेंगे। ये 3 चीजें अलग अलग जगह पर बांध लेंगे लाल कपड़े में। अब जो दुश्मन है, जो गुप्त शत्रु है, उसको खत्म करने के लिए, दुश्मन से मुक्ति दिलाने के लिए आपको एक मंत्र बोलना पड़ेगा। मंत्र कैसे बोलना है मैं आपको बता देता हूं कि मंत्र बोलना है ओम वश्यमे चामुंडे शत्रु विनाशकाय स्वाहा। ये मंत्र बोला जाएगा। इस मंत्र को रोजाना 7 दिनों तक कह रहा हूं मैं, सुबह शाम जाप कीजिए 1000 बार सुबह शाम। जाप कर लेने के बाद जैसे ही 7 दिनों तक, तो आपने जो ये लिए हुई सामग्री, इसे लाल कपड़े को तो आपने क्या करेंगे, किसी पीपल के पेड़ पर बांधेंगे, और जो काला कपड़ा है उसे शमशान में दबाएंगे, शत्रु का नाम बोल देंगे 7 बार, शत्रु शमन बोलेंगे, शत्रु शमन शत्रु शमन शत्रु शमन, ऐसे बोलना है आपने 7 बार बोलना है। 7 बार अपने दिमाग में चेहरा इमेजिन करना है, अपने दुश्मन की तस्वीर लेकर आनी है, जैसी सजा देना चाहते हैं फटाफट से दिमाग में इमेजिन कर लीजिए। इससे क्या होगा, दुश्मनों का सर्वनाश होगा। जो दुश्मन है उसके नाम का हमने आज पूरा त्याग दे दिया है। अगर वो आपको परेशान कर रहा होगा, आपके ऊपर कोई क्रिया की विधि अपना रहा होगा, तो वो भी नहीं लगेगी। ये वीडियो है जिसमें मैंने कारगर टोटका आपको बता दिया है। अगर आपकी कोई भी अन्य क्वेरीज है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। आपके साथ हम फिर जल्द जुड़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा, जल्द नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल